नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल ऑटोमोब टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की जो वार्निंग लाइट्स होती है वो कौन सी वार्निंग लाइट्स क्या इंडिकेट करती है। दोस्तों यहाँ रेड और येलो कलर की लाइट्स होती है। रेड कलर की लाइट्स इंडिकेट करती है कि आपको जो वार्निंग दी गई है उसके बारे में आपको जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा और नियर बाय सर्विस स्टेशन जाना पड़ेगा। और येलो लाइट्स का मतलब है कि काम चल सकता है। दोस्तों पहली लाइट है वो है आपके इंजन ऑयल इंडिकेटर की वार्निंग लाइट। इसका मतलब है कि आपका जो इंजन ऑयल है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम तक पहुंच गया है। अगर कई बार आपको पता नहीं होता और आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो ये लाइट अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ऑन रहती है या फिर बीप करती है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंजन ऑयल है वो कम हो चुका है। दोस्तों दूसरी रेड लाइट है वो है लो बैटरी इंडिकेशन की लाइट। लो बैटरी इंडिकेशन का मतलब है कि आपकी बैटरी लो है। भले ही आप गाड़ी स्टार्ट कर पाते हो, गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती हो, लेकिन आपकी बैटरी लो लेवल पे है। इसको आपको जल्द से जल्द चेंज करवाना पड़ेगा या फिर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और अगर ये लाइट गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ऑन रहती है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी लो है। दोस्तों मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और बैटरी लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है। ऐसे ही आप अपनी वार्निंग लाइट्स इंडिकेट कर सकते हैं। जो लाइट ऑन रहती है उसका मतलब है कि वो आपकी वार्निंग है। दोस्तों अगली रेड लाइट है वो है पार्किंग ब्रेक की लाइट, और इसे ब्रेक लाइट भी कह सकते हैं। ये लाइट तब ऑन होती है जब आपने अपना पार्किंग ब्रेक लगाया हुआ है, और अगर पार्किंग ब्रेक हटा दे तो भी ये लाइट ऑन रहती है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक ऑयल का लेवल जो है वो कम हो चुका है और उसको आपको फील करवाना पड़ेगा। और ये भी एक रेड कलर लाइट है, मतलब इट्स डेंजरस। दोस्तों अगली लाइट है वो सिर्फ पहली 2 सेकंड के लिए आती है, वो है कूलेंट ओवर हीटिंग की लाइट। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से ऑन करके। ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइट है वो है कूलेंट ओवर हीटिंग की लाइट। इसका मतलब है अगर आप बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं, घंटा दो घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा, तो ये लाइट ऑन होगी और आपको बताएगी कि आपका जो कूलेंट है वो ओवर हीट हो चुका है। इसको जल्द से जल्द आपको गाड़ी रोक के ठंडा करना पड़ेगा या फिर अलग से फील करना पड़ेगा। दोस्तों अगली रेड लाइट है वो इस तरफ है, और वो है आपका सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। मतलब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो ये लाइट ऑन होगी, और उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता ही है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं येलो लाइट की तरफ, और ये जो लाइट है वो इंजन चेक लाइट है, या फिर इसको आप इंजन मालफंक्शन लाइट भी कह सकते हैं। दोस्तों गाड़ी में क्या होता है कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो आपकी हर फ्लॉज और मिस्टेक्स या फिर कुछ गड़बड़ है गाड़ी में तो उसको आपको चेक करता रहता है। अगर ये लाइट ऑन रहती है तो इसका मतलब ये है कि इंजन में कुछ गड़बड़ है और आपको जल्द से जल्द सर्विस स्टेशन जाना पड़ेगा। दोस्तों अगली लाइट है वो है स्टेयरिंग की लाइट। इसका मतलब है कि पावर स्टेयरिंग जो है वो आपका काम करना बंद हो चुका है, लेकिन इससे काम चला जा सकता है। आप पावर स्टेयरिंग के बगैर भी गाड़ी चल सकती है। तो ये है अगली येलो लाइट। और बात करते हैं इस तरफ की लाइट की, तो इस तरफ की लाइट जो है वो है इंजन इमोबिलाइज़र। इंजन इमोबिलाइज़र का मतलब है कि अगर आपने अपनी गाड़ी की नहीं लगाई है, कोई और गाड़ी की लगाई है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, और ये लाइट जो है वो इंडिकेट करेगी आपको कि आपने करेक्ट की नहीं डाली है, कोई अलग से की डाली है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी वार्निंग लाइट्स इंक्लूड नहीं हुई है जो मेरी गाड़ी में नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और कार्स के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, अननोन फैक्ट्स, न्यूज़, रिव्यूज़ और ट्यूटोरियल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।